प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उनके द्वारा भारत का शोषण करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई। तो उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई ताकि भारत का अधिकाधिक शोषण हो सके। तो मुख्य रूप से भू राजस्व नीति, कृषि नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ, करारोपण संबंधी नीतियाँ और व्यापारिक नीतियों का प्रयोग किया। इस वीडियो में हम भू राजस्व नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भू राजस्व के लिए कौन कौन सी उन्होंने पद्धतियों का विकास किया, उनमें से मुख्य रूप से, चूंकि एक बड़ा टॉपिक है इसलिए एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं होता, इसलिए शेष जो भाग होगा भू राजस्व नीतियों का वो अगले वीडियो के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। तो 5 प्रकार की नीतियों के माध्यम से उन्होंने भारत का शोषण किया। यही कारण था कि भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे विश्व के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधि और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत एकाधिकार था, किस प्रकार कंगाल बना दिया गया, उनके लिए ये 5 प्रकार की जो नीतियाँ थी वे उत्तरदायी थी। इनमें सबसे पहले हम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ देखते हैं। भू राजस्व नीतियों का संबंध कृषि क्षेत्र से संबंधित था। बात ये आती है कि भू राजस्व नीतियाँ अपनाने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके आलोक में हमें प्लासी और बक्सर के युद्ध की तरफ जाना होगा। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल राज्य पर संपूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रथम भारतीय राज्य की स्थापना करने में सक्षम होती है। बक्सर के युद्ध के पश्चात 3 शक्तियां हार गई थी, इसलिए मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधियाँ की, अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि की, और बंगाल का जो नवाब था वो तो एक तरीके से अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। इस प्रकार 3 नवाब जब हार जाते हैं तो मुगल बादशाह के साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधियों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो 3 बड़े प्रदेश थे, उन पर दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, अर्थात राजस्व वसूली संबंधित अधिकार मुगल बादशाह से निकलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाते हैं। इसलिए 1765 के बाद राजस्व वसूली से संबंधित कार्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करना प्रारंभ करती है, जो एक व्यापारिक नज़रिए से भारत आई थी। तो ये वो स्टेप था जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी के बजाय एक राजनीतिक शक्ति की ओर अग्रसर होती है। 1765 में द्वैत शासन बंगाल में अपनाया गया, जिसके तहत दोहरा शासन हुआ, जिसके लिए अपन पृथक टॉपिक में देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन क्यों अपनाया गया और उसके क्या परिणाम होते हैं और किस प्रकार से बंगाल को कंगाल बना दिया जाता है। तो जब बंगाल पे अधिकार हो गया, इलाहाबाद की संधियों से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजस्व वसूली के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए, उसके बाद में कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर भारत में आगे बढ़ती है। विभिन्न शासकों के साथ, विभिन्न राज्यों के साथ उनके विवाद बढ़ते हैं। चूंकि क्षेत्रीय प्रसार करना हो तो युद्ध भी लड़ने होते हैं। काफ़ी युद्धों के अंतर्गत 1765 के बाद में जो मराठे हैं, मैसूर हैं, कर्नाटक हैं, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरू हो जाते हैं। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ी आय की आवश्यकता होने लगी। इस आय की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ की जाए, इसके लिए तत्कालीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में हुआ करता था, उसने विचार विमर्श किया। साथ ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल में गवर्नर जनरल होता था, उन्हें भी विचार किया कि किस प्रकार आय बढ़ाई जाए। तो इस संदर्भ में उस समय सबसे पहले जो उनकी दृष्टि गई वो थी कृषि क्षेत्र की तरफ, कि कृषि क्षेत्र से कैसे अधिकाधिक आय प्राप्त की जाए। इसके लिए विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित की, विभिन्न पद्धतियाँ शुरू की। 1765 में उससे पूर्व भारत में परंपरागत भू राजस्व संग्रहण की पद्धति प्रचलित थी, जिसके तहत किसान अपनी उपज का एक भाग राजा या जागीरदार को हस्तांतरित कर देता था, बदले में उसके भूमि पर अधिकार बने रहते थे। लेकिन जब से कंपनी का अधिकार हुआ तो कंपनी ने परंपरागत भारतीय भू राजस्व पद्धतियों में हस्तक्षेप किया और उनको साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल ढालने का
प्रयास किया और उसी का परिणाम था कि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में था, जो संपन्न था, जो खुशहाल था, उसको कंगाल बना दिया। और वर्तमान की जो कंगाली है उसके अवशेष भी इतिहासकार अंग्रेजी जो भू राजस्व नीतियाँ हैं उन्हीं में खोजते हैं। और वास्तव रूप में ये काफ़ी सही भी है, क्योंकि जो भारत का जो ग्रामीण इलाका था वो वास्तव में ही बड़ा मजबूत था, आत्मनिर्भर था अपनी चीज़ों के लिए। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने धीरे धीरे ग्रामीण भारत को जमकर लूटा। परिणाम स्वरूप पूरा ग्रामीण भारतीय परिवेश गरीबी के धंस में फंस चुका था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो अलग अलग नीतियां अपनाई उसमें मुख्य रूप से तीन नीतियां अपनाई, स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। तीन प्रकार अपनाते हैं, लेकिन इनसे पूर्व एक बंदोबस्त जो प्रारंभ में उन्होंने अपनाया वो इजारेदारी प्रथा था। इजारेदारी प्रथा सबसे पहले उन्होंने अपनाई थी। तो मुख्य रूप से तीन भू राजस्व नीतियाँ उनके द्वारा अपनाई गई, पहली स्थाई बंदोबस्त, द्वितीय रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तृतीय महलवाड़ी बंदोबस्त। लेकिन इनसे पूर्व एक और प्रयोग कर चुके थे, वो था इजारेदारी प्रथा। अब सबसे पहले हम इजारेदारी प्रथा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इजारेदारी प्रथा थी, इजारे का मतलब होता है ठेका। तो वह प्रथा जिसमें राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर दिया जाए उस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। इजारेदारी व्यवस्था के लिए हम देखना होगा कि वॉरेन हेस्टिंग को 1772 में कंपनी के बंगाल के गवर्नर के रूप में भारत भेजा गया। उसके सामने मुख्य समस्या ये थी कि उस समय कंपनी की हालत बड़ी माली हो गई थी, क्योंकि वो मराठों और मैसूर राज्य के साथ युद्धों में फंसी हुई थी। इसलिए उसके सामने सबसे पहली ये समस्या थी कि कैसे स्थायी आय का निर्धारण किया जाए, कैसे स्थायी आय के स्रोत सृजित किए जाए। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले जो बंगाल में डायरकी सिस्टम था, द्वैध शासन था, उसको हटाया। उसके हटाने के बाद ये निर्णय हुआ कि कैसे राजस्व वसूली की जाए। तो राजस्व वसूली करने के लिए 1772 के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के अंतर्गत इजारेदारी प्रथा शुरू की। तो परीक्षाओं में मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में शुरू की गई और बंगाल राज्य के अंतर्गत इसको लागू किया गया। उसी समय उनके जो रेवेन्यू सुधार हैं उनमें देखते हैं, कलेक्टर के पद का सृजन किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सृजन किया और उसमें कुछ मेंबर्स बनाए जो राजस्व संबंधी मामलों में सलाह देते थे। तो 1772 में इजारेदारी प्रथा शुरू कर दी गई। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो विशेषताएं थीं। पहली विशेषता ये थी कि इजारेदारी व्यवस्था 5 वर्ष के लिए शुरू की गई, जिसमें एक व्यक्ति को राजस्व वसूली का ठेका 5 वर्ष के लिए दिया जाता था। द्वितीय विशेषता इसकी ये थी, 5 वर्ष के लिए किया गया। द्वितीय विशेषता इसमें यह थी कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। तो इजारेदारी प्रथा की दो विशेषताएं थी कि मुख्य रूप से ठेका 5 साल के लिए दिया जाता था, और द्वितीय विशेषता कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता था। तो मुख्य रूप से इजारेदारी प्रथा के यही पॉइंट्स हैं। 1772 में शुरू हुई, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई, ये केवल बंगाल राज्य में लागू की गई, मुख्य रूप से 5 वर्ष के लिए ठेका दिया जाता था और ठेका मुख्य रूप से सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इस प्रथा के अंतर्गत भी काफ़ी समस्याएं आई, जो उनकी जो आय थी जितनी अनुमानित की गई उतनी वसूली नहीं हो पाई, और जो जमींदार थे वो काफ़ी किसानों का शोषण करते थे, मनमाने तरीके से शोषण करते थे। इसलिए फिर विचार विमर्श हुआ कि इसकी जगह नई पद्धति शुरू की जाए। तो 1777 में फिर इसको 1 वर्षीय ठेका पद्धति में बदला गया, लेकिन 1 वर्षीय ठेका पद्धति से भी उनकी जो स्थायी आय थी उसका सृजन नहीं हुआ, उनकी आय स्थायी नहीं हो पाई, अनुमान नहीं लग पाता था कि प्रतिवर्ष कितनी आय होगी, जबकि कंपनी अपने बजट के लिए स्थायी आय को सुनिश्चित करना चाहती थी कि प्रतिवर्ष कितनी आय कृषि क्षेत्र से भू राजस्व के माध्यम से होगी। लेकिन प्रतिवर्ष ठेका दिए जाने से ठेके की बोली अलग अलग लगती थी, इस कारण स्थायी आय को सुनिश्चित करना असंभव हो गया। इसी प्रकार जो
जमींदार थे वो काफ़ी कठोरता से कर वसूल करते थे, इसलिए कंपनी अपनी राजस्व वसूली के लिए बदनाम हो रही थी, इसलिए फिर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रतिवर्ष ठेका देने का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो जमींदार थे उन्होंने भूमि सुधारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगले वर्ष हो सकता है कि वापस उनको राजस्व वसूली का ठेका प्राप्त नहीं हो। इसलिए फिर एक मानक पद्धति पर विचार विमर्श शुरू हुआ, भारत में भी शुरू हुआ, और इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी उनकी तरफ से भी मानक विचार विमर्श शुरू होता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट की तरफ से भी, और उसी समय फिर 1786 में एक व्यक्ति भारत के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भेजा जाता है। उस व्यक्ति का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो इससे पहले ब्रिटिश सेनाओं का सेनापति अमेरिका में रह चुका था, और वहाँ पर यॉर्कटाउन की लड़ाई में जॉर्ज वानसे गठन के सामने हालांकि ये हार गया था। तो उसी समय 1784 का एक्ट भी पारित किया गया। उस एक्ट की कुछ कमियां थी, जिसके मद्देनज़र कॉर्नवालिस ने प्रारंभ में हालांकि पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न 1786 में संशोधन सहित एक और एक्ट के माध्यम से होता है। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया तो उसको कुछ कार्यों के लिए निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा एक मानक भू राजस्व पद्धति विकसित की जानी है, आपके द्वारा जो दीवानी मामले हैं और फौजदारी कानून हैं उनका भी कोडिफिकेशन करना है, इसी प्रकार जो सेना है उसका भी सुधार करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, ब्रिटिश सरकार ने कुछ उम्मीद की कि वे भारत में जाके काफ़ी सुधार लागू करेंगे, और उनमें काफ़ी सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस करने का प्रयास भी करता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया तो उसने दो व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श किया कि किस प्रकार एक मानक पद्धति विकसित हो सके। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, राजस्व बोर्ड के तत्कालीन प्रधान सर जॉन सोर और अभिलेख प्रमुख जेम्स ग्रांट, इन तीन लोगों के बीच विचार विमर्श शुरू हुआ। हालांकि काफ़ी अन्य लोग भी थे, पर मुख्य रूप से ये तीन लोग थे, उनमें विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के तहत तीन बिंदुओं पर विचार होना था। एक मानक पद्धति विकसित करने से पूर्व तीन प्रश्न निर्धारित किए गए। पहला प्रश्न ये था कि भू राजस्व बंदोबस्त किसके साथ किया जाए, किसान के साथ किया जाए या जमींदार के साथ किया जाए। इसका तात्पर्य ये था कि भूमि पर अधिकार किसका माना जाए। तो जहाँ जेम्स ग्रांट का ये मानना था कि किसान को भूमि का मालिक माना जाए, वहीं जॉन सोर का ये मत था कि भूमि का मालिक जमींदार को माना जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड का एक जमींदार था, इसलिए जमींदारी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हिस्सा रही, इसलिए उसने जमींदार का पक्ष लिया और ये निर्णय हुआ कि भूमि का मालिक जमींदार को माना जाए। तो वो जिस मानक पद्धति की बातचीत कर रहे थे उसमें पहला ये तय हुआ कि भूमि का मालिक जमींदार को माना जाना चाहिए। द्वितीय जो उनके सामने जो प्रश्न था वो ये था कि जो बंदोबस्त किया जाए वो कुछ वर्षों के लिए किया जाए या स्थायी रूप से किया जाए। तो इसमें भी ग्रांट का ये मानना था कि 10 वर्ष के लिए होना चाहिए, 10 वर्ष के लिए होना चाहिए। सोर का भी यही मानना था, लेकिन कॉर्नवालिस का ऐसा मानना नहीं था। लेकिन प्रारंभ में इसको फिर 10 वर्ष के लिए लागू किया जाता है, लेकिन जमींदारों के आह्वान पे और कंपनी के हितों की पूर्ति करने के लिए 22 मार्च 1793 को इसको स्थायी कर दिया गया। तीसरा प्रश्न उसके सामने ये था कि राजस्व संग्रहण की दर क्या होनी चाहिए, भू राजस्व टैक्स लगाने की दर क्या होनी चाहिए। इस विचार विमर्श किया, विचार विमर्श करके एक व्यवस्था अपनाई जिसको जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या विश्वेदारी बंदोबस्त, और 1793 में जब इसको स्थायी कर दिया गया तो इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया। तो हम अब इस वीडियो में प्रमुखता से स्थायी बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, इसके बारे में सबसे पहले हमने ये देखा
कि लॉर्ड कार्नवालिस ने अपने जो दो मुख्य व्यक्ति थे जॉन सोर और जेम्स ग्रांट, इनके माध्यम से इस बंदोबस्त को विचार विमर्श करके लागू किया। काफ़ी विचार विमर्श हुआ और एक मानक पद्धति के रूप में उन्होंने इसका विकास किया। 1790 में इसको लागू किया, लेकिन 90 में इसको 10 वर्ष के लिए लागू किया। 1793 में मार्च के महीने में इसको स्थायी कर दिया गया। उसके बाद इसका नाम स्थायी बंदोबस्त कहा जाने लगा। इसके अन्य नाम भी हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या जागीरदारी बंदोबस्त या बिस्वेदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें भूमि का मालिक कौन? तो इसमें भूमि का मालिक जमींदार को माना गया। प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए लागू थी। 22 मार्च 1793 को इसको स्थायी कर दिया गया। तो मुख्य रूप से इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि भूमि का मालिक कौन था? किसान की बजाय जमींदार था। द्वितीय जो महत्वपूर्ण बात है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि ये किन किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? तो ये मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस, इन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत लागू हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस में। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये भारत के कितने भूभाग पर लागू थी? तो ये भारत के लगभग 19% भूभाग पर लागू थी, 19% एरिया ऑफ इंडिया उस समय इसमें कवर होता था। तीसरी बात ये आती है, राजस्व संग्रहण की दर क्या हो? तो इसके बारे में एक सामान्य समझ ये बनी कि जितना राजस्व संग्रहण किया जाएगा संबंधित क्षेत्र के जमींदार के द्वारा, उसका 10/11 भाग कंपनी को जाएगा और 1/11 भाग जमींदार के पास रहेगा। तो इस प्रकार जमींदार और कंपनी के मध्य राजस्व संग्रहण का जो अनुपात था वो वितरित किया गया। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जमींदार यदि इस हिस्से से एक हिस्सा फिक्स कर दिया गया पर्टिकुलर रीजन में कि प्रतिवर्ष आपको इस क्षेत्र से इतना राजस्व हमें जमा करवाना है, 1793 से लेकर 1947 तक वो हिस्सा बना रहा, वो प्रतिशत बरकरार रहा, वो जो राशि फिक्स की वो राशि फिक्स रही। लेकिन इसमें एक ब्लैंक चेक जमींदारों को ब्रिटिश सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दिया, जिसका उपयोग करके जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। वो ब्लैंक चेक था, उसमें ये कहा कि जो निर्धारित राशि है उससे अधिक भी आप वसूल करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप जमींदारों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। जमींदार इसके माध्यम से अधिकाधिक कर की वसूली संबंधित किसान के क्षेत्र से करने लगे, क्योंकि चूंकि किसान को उसका मालिक नहीं बनाया गया, इसलिए किसान जमींदार की दया पर आश्रित थे। यदि किसान जमींदार के खिलाफ आवाज़ करता तो जमींदार उस भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बेच सकता था, क्योंकि स्वयं मालिक था। इस प्रकार किसानों का जितना शोषण इस पद्धति के तहत किया गया, उससे बंगाल का जो किसान था वो कंगाल हो गया। तो जमींदार को जमीन का मालिकाना जो मालिकाना हक था वो भी स्थायी कर दिया कि जब तक अंग्रेज रहेंगे, जब तक ये पद्धति रहेगी, तब तक किसान की बजाय जमींदार भूमि का मालिक होगा और उसका मालिकाना हक तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक वे निर्धारित भू राजस्व निर्धारित समय तक उपलब्ध करवाता रहेगा। इस प्रकार जमींदारी का उसका अधिकार पैतृक भी हो गया और ट्रांसफरेबल भी हो गया, हस्तांतरणीय भी हो गया। वह अपने जमींदारी के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को या अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकता था। परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर जमींदारों का एक नया वर्ग बनता गया और इस वर्ग का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व पर निर्भर करता था। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ये वर्ग स्वयं के हितों को ब्रिटिश हितों के अनुरूप ढालने लगा और ये ब्रिटिश सत्ता का भारत में बड़ा समर्थक हो गया। और 1857 के विद्रोह के अंतर्गत हम देखते हैं किस प्रकार जमींदार वर्ग ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्त बना रहता है।
जमींदार जमीन को कभी भी खरीद सकता था, कभी भी बेच सकता था। इस प्रकार भारतीय किसान के जो परंपरागत अधिकार थे उनको छीन लिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सूर्यास्त का कानून भी लागू किया, सनसेट लो कहते थे, अर्थात इसमें ये नियम बनाया कि यदि संबंधित जमींदार भू राजस्व वसूली करके किसी नियत तिथि तक भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराने में असक्षम हो जाता तो उस दिन से उसकी जमींदारी उस क्षेत्र से समाप्त हो जाती और उसकी जमींदारी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को उस क्षेत्र की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो राजस्व वसूली करके राजस्व को वापस जमा कराने में बड़ा कठोरता का नियम लागू हुआ जिसको सनसेट लॉ कहते थे। अब बात ये आती है कि स्थाई बंदोबस्त क्यों अपनाया गया। तो स्थाई बंदोबस्त अपनाने के दो मुख्य उद्देश्य थे, भारत में अंग्रेज समर्थक वर्ग तैयार करना और कंपनी की आय को सुनिश्चित करना।